टिप नंबर वन में हम आपको बहुत मुफीद तरीका बताएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि जो एडल्ट ऐप मतलब फहाशी वाली ऐप हैं आपके बच्चे इंस्टॉल ना करें या आपके बच्चे एडल्ट ऐप से दूर रहें, आप सिंपली अपने प्ले स्टोर के ऑप्शंस में जाएं। प्ले स्टोर के ऑप्शंस में जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेरेंटल कंट्रोल पर क्लिक करना है। पेरेंटल कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कोई कोड इंटर करना है, तो अपना पिन कोड डाल दीजिएगा और उस कोड को कंफर्म कर लें। जब आप उस कोड को कंफर्म कर लेंगे तो वो आपसे पूछेगा कितने साल के बच्चे हैं जो इस ऐप से दूर रहें, तो आपने 18 प्लस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है कि 18 साल ही वाले इस ऐप को इंस्टॉल कर सकेंगे, 18 से जो नीचे बच्चे होंगे वो इस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इस सेटिंग को सेव कर लेना है। टिप नंबर टू, इस टिप में हम ये सीखेंगे कि आप अपनी सर्च हिस्ट्री को कैसे रिमूव कर सकते हैं। हर वो आइटम जो आपने प्ले स्टोर में सर्च किया है, जैसा कि मैंने कुछ ऐप को सर्च किया है, अब मैं चाहता हूँ मैं ये सर्च हिस्ट्री को रिमूव कर दूँ। इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जर्नल पे क्लिक कर लेना है। जर्नल में जाने के बाद क्लियर लोकल सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करना है, तो आपकी तमाम प्ले स्टोर की हिस्ट्री जो है वो रिमूव हो जाएगी। इस टिप में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप अपनी इंस्टॉल्ड की हुई ऐप की लिस्ट को देख सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली प्ले स्टोर के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद माय ऐप्स एंड गेम्स में जाना है। माय ऐप्स एंड गेम्स में जाने के बाद आपको तमाम इंस्टॉल की हुई ऐप्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं। दोस्तों, इसके साथ एक और मज़े का ऑप्शन है, इंस्टॉल के साथ ही एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है। लाइब्रेरी का ऑप्शन आपको ये ज़ाहिर करेगा कि आपकी जीमेल पे कितनी भी ऐप्स जो भी आपने पिछले मोबाइल में इंस्टॉल की थी उन सब की हिस्ट्री आपको बता देगा। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये तब आपके लिए फ़ायदेमंद होती है जब आप मोबाइल चेंज करते हैं, तो आपकी जीमेल आईडी बता रही है कि पिछले मोबाइल पर आपने कौन कौन सी ऐप को इंस्टॉल की थी। आप आसानी के साथ इस लिस्ट में जाके पुराने मोबाइल वाली ऐप को चेक कर सकते हैं। टिप नंबर फोर, अक्सर आपने देखा होगा आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो खुद ब खुद अपडेट हो रही होती हैं। उसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान ये है कि जब वो प्ले स्टोर में जब प्ले स्टोर की जितनी भी एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद अपडेट हो रही होती हैं तो आपका बेतहाशा डाटा यूज़ हो रहा होता है, उसकी मदद से आपके पैसे ज़ाय हो रहे होते हैं। नुकसान नंबर दो ये है कि कई बार जो आपका मौजूदा वर्जन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, आप उसको लाइक कर रहे होते हैं, जब आप उसको अपडेट करते हैं तो बहुत से फीचर मिस हो जाते हैं, तो ये आपको बहुत ख़राब लगता है। अगर आप इस दो नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक अपडेट को रोक सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर के ऑप्शन में जाना है। प्ले स्टोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जर्नल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप जर्नल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ऐप, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमें ये बता रहा है कि आपका चाहे मोबाइल का डाटा हो या वाईफाई का जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि जब आप अपना मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो तब आपकी एप्लीकेशन अपडेट होंगी। जो लास्ट वाला है
वो ये है कि जब तक आप ख़ुद मैन्युअली आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई एक एप्लीकेशन भी अपडेट नहीं होगी। इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे डन पे क्लिक कर लेना है। टिप नंबर 5, आप चाहते हैं कि आपको कोई एप्लीकेशन पसंद आई है लेकिन आपके पास डाटा कम है या आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, आप उस ऐप को आने वाले वक्त में डाउनलोड करना चाहेंगे और आपको इस बात का भी डर है कि कहीं आप उस ऐप का नाम ना भूल जाएं, तो ये बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी ऐप का नाम कभी नहीं भूल पाएंगे। सिंपली आपने उस ऐप को क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो उसके टॉप पे 3 डॉट नज़र आएंगे, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ऐड टू विश लिस्ट, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन आपकी विश लिस्ट में ऐड हो जाएगी। विश लिस्ट का मतलब है कि मेरी ख्वाहिश है मैं इस ऐप को डाउनलोड करूँ। इस तरीके से आप मज़ीद एप्लीकेशन जो आपको पसंद हैं आप उस ऐप को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब आपके पास डाटा या आपके मोबाइल में स्पेस हो तो आप विश लिस्ट को चेक करके उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से आपके जहन में वो नेम भी नहीं भूलेगा। जो एप्लीकेशन हमने विश लिस्ट में ऐड किए हैं उसको देखने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में जाने के बाद अब विच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जितने भी हमने एप्लीकेशन को ऐड किया था वो हमारी एप्लीकेशन देखो दोस्तों शो हो रही हैं।